चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 10 है हमारा बियरिंग्स। चैप्टर 9 इसमें नहीं होगा क्योंकि वो जो हमने पिछले चैप्टर में कर रखा है, इसलिए चैप्टर 8 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 10 आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 10 हमारा बियरिंग है और यहाँ पे हम बियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। बाकी जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन करने में उन्हीं को सिर्फ मज़ा आएगा जिन्होंने ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रखा हो, चाहे कहीं भी कोचिंग कर रखा हो, आपने अपने कॉलेज में पढ़ रखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ा होगा बियरिंग्स, तभी आपको मज़ा आएगा इसके एमसीक्यू करने में, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब ऊपर से निकल जाएगा। बाकी जो अब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो उसका पीडीएफ आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेगा। आप वेबसाइट जानते हैं globalitii.org। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस टाइप से आपका खुल जाएगा और यहाँ पे आपको कोर्स वाला ऑप्शन होगा। कोर्स पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे इलेक्ट्रीशियन फीटर जो भी है, तो आप फीटर के हैं तो फीटर पे क्लिक कर लीजिए। जब आप फीटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया टैब खुल के आएगा, फीटर फर्स्ट ईयर, फीटर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो आप फीटर सेकेंड ईयर के हैं तो आप फीटर सेकेंड ईयर पे यहाँ लिखा हुआ फीटर ट्रेड द्वितीय वर्ष, इस पर क्लिक कर लेंगे। जब आप फीटर सेकेंड ईयर पे क्लिक करेंगे आपका, तो इस टाइप से फिर पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे है कि ITI परीक्षा में जब आप स्लाइड को नीचे करेंगे वो, ठीक है, तो नीचे आपको देखेगा ITI परीक्षा में पूछे गए प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न PDF। फीटर थ्योरी चैप्टर 1 का PDF है, चैप्टर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से है। तो ये आपके सारे PDF यहीं पे मिल जाएंगे, जितना भी PDF है। तो आपको PDF के लिए कहीं और नहीं परेशान होना, आपको सीधे वेबसाइट पे आना है और आपको डेली अपडेट चेक करनी रहती है। यहाँ पे हमेशा अपडेट होता रहता है, आपको PDF नए नए मिलते रहेंगे। प्लस जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसका जो है आप ऑब्जेक्टिव जो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस ओवरव्यू के बगल में करिकुलम का ऑप्शन होता है, जब आप करिकुलम पे क्लिक करेंगे, अपने करिकुलम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पे दिख जाएगा टेस्ट के लिए। आप यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 का ऑनलाइन टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, अभी आगे के अपलोड नहीं है, मैं बियरिंग्स वगैरह का भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आप जो हम मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया उसका यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। तो ये फायदा है आपका वेबसाइट पे। तो वेबसाइट को आप डेली चेक करते रहिए, ठीक है। आपको PDF भी यहीं पे सभी मिलेगा, आपको टेस्ट भी यहीं पे मिलेगा और प्लस पॉइंट है आपका कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सभी लोग कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा था वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो करना चाहते हैं वो पेड कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए कैसे ज्वाइन करना था आपको मालूम है, आप चैनल पर जाकर वीडियोज देख लीजिएगा, वहाँ पर बताया गया कि आपको पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। क्योंकि वहाँ पर मैंने ये सारे चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करा रखा है, जिन्होंने कर रखा होगा वो लोग कमेंट भी करते हैं, आप नीचे चेक कर सकते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सुने बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें उनको अच्छे से बताया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा बियरिंग प्लेन बियरिंग की उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्रस्ट बियरिंग, लाइनर बियरिंग, जर्नल बियरिंग और यह सभी। तो इनमें जो भी नाम लिया गया है ये सभी क्या प्लेन बियरिंग है। आपके जो बियरिंग बांटी गई थी भार के आधार पर बांटी गई थी, आकार के आधार पर बांटी गई थी, फ्रिक्शन के आधार पर बांटी गई थी। फ्रिक्शन के आधार पर एंटी फ्रिक्शन और फ्रिक्शन बियरिंग था, ठीक है। तो ये जो हमारा था भार के आधार पे ये सब थी, थ्रस्ट बियरिंग थी, पिवट बियरिंग थी, जर्नल बियरिंग थी, लाइनर बियरिंग थी, ये सब भार के आधार पे मतलब प्लेन बियरिंग थी ये सब। तो ये जो तीनों नाम दिए गए हैं किसके, प्लेन बियरिंग के। इसका मतलब जो ऑप्शन में पूछा गया है कि प्लेन बियरिंग की उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यह सभी जो नाम लिखा गया है सभी किसके उदाहरण है, प्लेन बियरिंग के उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के समांतर कार्य करने वाले भार को सपोर्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आपके सारे टॉपिक में काम आने वाला है, उसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो चीज़ आपको क्या समझना है, आपको दो चीज़ें समझनी है। एक होता है आपका थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड, और एक होता है आपका रेडियल लोड, रेडियल लोड। थ्रस्ट लोड को अच्छी लोड भी बोला जाता है। तो आपको इन दोनों लोड के बारे में अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होगा। रेडियल लोड एक तरह से उसके लंबवत लगता है, ठीक है, त्रिज्यती लोड होता है तो अच्छी बात है। तो ये क्या चीज़ होता है, दोनों को हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ये हमारी क्या है शाफ्ट है, ये शाफ्ट हो गई, और इस पर क्या होगा, ये शाफ्ट किसके अंदर घूमेगी, बियरिंग के अंदर। मतलब समझ लीजिए ये इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है, इधर और इधर, इसके ऊपर क्या है बियरिंग है, बियरिंग के अंदर शाफ्ट घूम रहा है, या ऊपर क्या है इसके बियरिंग है, ठीक है, ये बियरिंग है और बियरिंग के अंदर ये शाफ्ट रोटेट कर रही है। ये आपकी शाफ्ट हो गई और ये हमारी बियरिंग हो गई,
तो अगर जो हमारा लोड लग रहा है इस शाफ्ट पे, अगर लोड कैसे लग रहा है, जब बियरिंग लगी हुई शाफ्ट, शाफ्ट की एक्सिस होगी, शाफ्ट की एक्सिस है, अगर एक्सिस के लंबवत लोड लगे, लोड कैसे लग रहा है इसके लंबवत, यह लोड हमारा काम कर रहा है। लोड कैसे काम कर रहा है, ये हमारी बियरिंग लगी हुई है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के अक्ष के अक्ष ऐसे है और लोड ऐसे लग रहा है, मतलब शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लोड लग रहा है। अगर शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लोड लगता है तो उसे बोला जाता है रेडियल लोड। तो यही लोड क्या कहलाता है, रेडियल लोड, मतलब लंबवत भार, लंबवत लोड या परपेंडिकुलर लोड। तो अगर किसी बियरिंग शाफ्ट पे इस टाइप का लोड लग रहा है तो हमारा रेडियल लोड होगा। अच्छी लोड कब बोलते हैं, जब हमारा बियरिंग या शाफ्ट पर जो लोड लग रहा हो वह लोड क्या हो आपका, एक्सियल हो, अक्ष पे लग रहा हो, या कह लीजिए शाफ्ट की अक्ष के समांतर हो। यह शाफ्ट की अक्ष है, अगर लोड हमारा कैसे काम करे यहाँ पे, शाफ्ट की अक्ष पे काम करे, लोड इधर से उधर को काम कर रहा हो, ठीक है, शाफ्ट पे प्रेशर डाल रहा है, ऊपर से लंबवत में लग करके क्या जो एक्सिस है हमारी शाफ्ट की, उस एक्सिस पे लोड लग रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है, इससे वह उधर ढकेलने का काम करेगा, ठीक है, या फिर इसके समांतर अक्ष के समांतर या शाफ्ट की अक्ष पे अगर इस टाइप से लोड लग रहा है तो यह लोड जो होता है यही लोड क्या कहलाता है, थ्रस्ट लोड कहलाता है। तो यही दो चीजें ध्यान रखनी है कि थ्रस्ट लोड जब शाफ्ट की अक्ष के अनुरूप शाफ्ट की अक्ष की दिशा में लोड लगेगा तो थ्रस्ट लोड, जब इसके लंबवत हमारा लोड लगेगा तो रेडियल लोड, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, अब समझ में आएगा। अगर ये दोनों चीजें आपने समझ ली तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखिए कह रहा है बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के समांतर कार्य करने वाले भार को कौन सपोर्ट करता है। तो अभी मैंने बताया कि जो थ्रस्ट लोड होता है वह क्या होता है, थ्रस्ट लोड ही हमारा बियरिंग के शाफ्ट के अक्ष के समांतर या बियरिंग के शाफ्ट के अक्ष की दिशा में जो लोड काम करता है उसे थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो कह रहा है कौन सा बियरिंग जो होगा वह समांतर कार्य करने वाले लोड को सहन करेगा। तो पहला ही देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना, थ्रस्ट बियरिंग, ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग मतलब थ्रस्ट बियरिंग है तो कौन सा लोड सहन कर रही होगी, थ्रस्ट लोड सहन कर रही होगी। थ्रस्ट लोड क्या होता, तो मैंने बताया था शाफ्ट की अक्ष के जो समांतर लोड लगता है वो थ्रस्ट लोड होता है, अभी मैंने बताया था। तो इसका मतलब शाफ्ट की अक्ष के समांतर लोड की बात कर रहा है या बोले शाफ्ट की अक्ष की दिशा में, दोनों एक ही बात है, अक्ष के समांतर या अक्ष की दिशा में तो कौन सा लोड को सहन करेगा, तो थ्रस्ट बियरिंग होगी तो थ्रस्ट लोड को सहन कर लेगी, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर वो रेडियल लोड लग रहा होता, लंबवत भार लग रहा होता तो रेडियल बियरिंग सही हो जाती, जो बियरिंग जो नाम होगा वही काम होगा। तो थ्रस्ट बियरिंग मतलब थ्रस्ट लोड को सहन करेगी, तो ये पूछ रहा था थ्रस्ट लोड को सहन करने के लिए कौन सी बियरिंग उपयोग होगी, तो थ्रस्ट बियरिंग उपयोग होगी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या रेडियल लोड नहीं लेता है, कि कौन से ऐसी बियरिंग है जो रेडियल लोड नहीं लेती है। यहाँ पे थ्रस्ट बॉल बियरिंग रहेगा, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपका सिलेंडर रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, मान लीजिए भले ही आप इनके बारे में नहीं जानते क्या है, लेकिन ऑप्शन सी जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, मतलब इस बियरिंग के साथ आगे क्या लग गया है, थ्रस्ट लगा हुआ है। थ्रस्ट मतलब तब हम बोलेंगे जब हमारा जो शाफ्ट है, जो हमारा क्या है शाफ्ट है, और शाफ्ट की जो अक्ष है, ये बियरिंग इस पे लगी हुई है, अगर शाफ्ट की अक्ष के दिशा में अगर हमारा लोड लगता है तो ये थ्रस्ट लोड कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा था निम्न में से क्या रेडियल लोड नहीं लेता है, तो जो बियरिंग थ्रस्ट लोड लेगी वो रेडियल लोड नहीं लेगी, जो रेडियल लोड बियरिंग होगी तो वह थ्रस्ट लोड नहीं लेगी, ठीक है। और कुछ ऐसी बियरिंग भी आती है जो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों को सहन करती है, एक बियरिंग आती है जो थ्रस्ट लोड को लेती है, एक बियरिंग होती है जो रेडियल लोड को लेती है, तो थ्रस्ट लोड लेने वाली बियरिंग थ्रस्ट लोड बियरिंग कहलाएगी, रेडियल लोड लंबवत लोड लेने वाली बियरिंग रेडियल लोड कहलाएगी, और एक ऐसी भी बियरिंग आती है जो दोनों लोड के सहन करती है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि क्या रेडियल लोड नहीं लेता है, तो इस बियरिंग में नाम में हमें आ रहा थ्रस्ट बॉल बियरिंग, मतलब यह जो बियरिंग होगी यह थ्रस्ट वाली है, मतलब यह अच्छी भार लेगी, जब यह अच्छी भार को लेगी तब यह रेडियल वाला नहीं लेगी, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है तो मतलब थ्रस्ट लोड को सहन करेगी, इसका मतलब यह रेडियल लोड को सहन नहीं करेगी। तो ये पूछा था कि क्या रेडियल लोड नहीं लेता है, तो इसका मतलब थ्रस्ट बॉल बियरिंग है जो रेडियल लोड नहीं लेता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चौथे में क्या कह रहा है, निम्न में से क्या मिस अलाइनमेंट नहीं सह सकता है, ठीक है, क्या मिस अलाइनमेंट को नहीं सह सकता है, मतलब जो हमारी शाफ्ट होती है दो बियरिंग के बीच में लगाई जाएगी, एक इधर हमारा
ब्लॉक होगा जिसमें बियरिंग लगी होगी, एक इधर ब्लॉक होगा जिसमें बियरिंग होगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारा शाफ्ट लगा होगा। तो दोनों बियरिंग का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, तभी बिल्कुल शाफ्ट सीधा होगा। अगर मिस अलाइनमेंट थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो शाफ्ट टेपर हो जाएगा, जिससे बियरिंग जल्दी घिस जाएगी और उसमें टूट फूट हो सकती है, सही से काम नहीं करेगा। तो जो दोनों हमारे बियरिंग लगे होते हैं आमने सामने जिसमें शाफ्ट को सहारा जाता है, तो दोनों बिल्कुल अलाइनमेंट में होनी चाहिए, सीध में होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा था कि निम्न में से क्या मिस अलाइनमेंट नहीं सह सकता है, कि इनमें से कुछ बियरिंग होती है जो मिस अलाइनमेंट को सह सकती हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल बियरिंग बनाई गई हैं कि थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट होगी, थोड़ा बहुत उनमें दिक्कत है, बिल्कुल एक सीध में नहीं है, तब भी उसे सहन कर लेगा। तो इनमें पूछ रहा है कि निम्न में से क्या मिस अलाइनमेंट नहीं सह सकता। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, ये मिस अलाइनमेंट नहीं सह सकती है। यही वो बियरिंग है जो कि थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों को सहन कर सकती है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग दोनों लोड को सहन करती है, थ्रस्ट लोड को भी रेडियल लोड को भी, लेकिन मिस अलाइनमेंट को नहीं सह कर सकती। सिलेंडर रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग भी है जो हमारा है सिलेंडर वाला, यह भी मिस अलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकता है। थ्रस्ट बॉल बियरिंग, यह थ्रस्ट लोड को सहन करता है लेकिन मिस अलाइनमेंट को सहन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी, ये जो सभी बियरिंग हैं इनमें से कोई भी बियरिंग मिस अलाइनमेंट को नहीं सह सकता। मिस अलाइनमेंट के लिए सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग आती है। क्या आती है? सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग आती है फ्रिक्शन वाले में भी, और आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग भी आता है। सेल्फ अलाइनिंग बाल बियरिंग जो स्वयं अलाइनमेंट कर लेता है, स्वयं एक सीध में हो जाता है, तो वह अलाइनमेंट को मिस अलाइनमेंट को सह सकता है। कौन? सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग। तो इनमें वो तो कोई नाम था नहीं, तो इसका मतलब तीनों बियरिंग जो हैं यह किसी भी अलाइनमेंट को, मिस अलाइनमेंट को नहीं सह सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा टेपर रोलर बियरिंग निम्न को सपोर्ट करता है। कि जो टेपर रोलर बियरिंग होता है वह किसको सपोर्ट करता है? एक्सियल लोड को, थ्रस्ट लोड को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अभी हमने बात किया था कि जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग यह जो है दोनों लोड को सहन करता है, थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड, यह दोनों लोड को सहन करता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। वैसे ही टेपर रोलर बियरिंग जो होता है यह भी दोनों लोड को सहन करता है, एक्सियल लोड को भी, थ्रस्ट लोड को। टेपर रोलर बियरिंग भी दोनों लोड को सहन करता है, एक्सियल लोड और थ्रस्ट लोड। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह बियरिंग एक्सियल लोड, ठीक है, एक्सियल लोड का मतलब क्या? अच्छी लोड हो गया, और थ्रस्ट लोड का मतलब भी अच्छी लोड, इनका दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है। जबकि यह भी जो होता है हमारा टेपर्ड वाला, यह भी हमारा रेडियल को भी सहन कर लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो रेडियल लोड होता है हमारा, एक्सियल लोड रेडियल लोड की अपेक्षा अधिक होता है, तब मतलब रेडियल लोड उसमें कम होता है और एक्सियल लोड अधिक होता है। पर इसमें दोनों का बात एक ही है, देखिए एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड, एक्सियल का मतलब अच्छी लोड, थ्रस्ट का मतलब भी अच्छी लोड, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया, एक्सियल कहिए चाहे थ्रस्ट कहिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बियरिंग मटेरियल निम्न गति एप्लीकेशन और हल्की लोडिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। कि इनमें कौन सा हमारा बियरिंग मटेरियल है जो हमारा निम्न गति के लिए और हल्के लोड के लिए उपयोग में लेते हैं। तो निम्न गति मतलब कम गति हो और हल्का लोड हो, तो उसके लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। कौन से मटेरियल का यूज करते हैं हम बियरिंग के लिए? तब कास्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग की क्या हानि है। तो देखिए थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, लेकिन कौन सी है? थ्रस्ट वाली है। थ्रस्ट वाली है मतलब एक्सियल लोड लेगी, अच्छी लोड लेगी। तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग एक्सियल लोड लेगी तो रेडियल लोड नहीं लेगी, तो वही हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि थ्रस्ट बॉल बियरिंग सिर्फ एक्सियल लोड लेती है, इसका मतलब कोई रेडियल लोड नहीं लेती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि यह कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्यों बॉल बियरिंग में बॉल रेसेस के गहरे ग्रूव प्रदान किए जाते हैं। जब हमारा बॉल बियरिंग बनाया जाता है तो आप जानते हैं एक इनर रेस होता है, इसको इनर रेस बोलते हैं, इसके ऊपर आउटर रेस होता है, क्या है हमारा यह अंदर वाला हिस्सा इनर रेस कहलाता है, जिसमें हमारी शाफ्ट घूमती है, इसी में शाफ्ट हमारी लगाई जाती है, और ऊपर वाला आउटर रेस, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है? बॉल होता है।
इन्हीं दोनों के बीच में हमारी क्या होती है, बॉल होती है, बॉल बेयरिंग में बॉल बेयरिंग होगा। तो यहाँ पे बॉल जैसी गोल गोल आपकी स्टील की रोलर बॉल होंगे, ठीक है, रोलर भी होती है बॉल भी होती है, तो बॉल बेयरिंग है तो बॉल होगा। तो इनर रेस हो गया, आउटर रेस हो गया, और उसके बीच में हमारी बॉल घूमती है। कह रहा है बॉल बेयरिंग में बॉल रेसेस के गहरे ग्रू, कि जो हमारे रेसेस बने हुए ना, इनर रेस है और बाहर वाला हमारा क्या आउटर रेस है, आउटर रेस, और ये अंदर वाला क्या होता है, इनर रेस होता है। और इन्हें जो हमारे बॉल है वो एक जगह रहे, इनके बीच की दूरी एक समान बनी रहे, इसके लिए केज आता है, बॉल केज बोला जाता है, इस टाइप से बना होता है जो इनको घेर करके रखता है, जैसे वो इस आकृति में बना हो, ठीक है। फिर आगे ऐसे एक दूसरे से केज जुड़े होंगे, फिर यह इसके अंदर होगा जो उन्हें वहीं पर जकड़ करके रखेगा इस तरह से। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, केज बने होते हैं जो एक दूसरे को क्या, बॉल को निश्चित दूरी पर बनाए रखते हैं। अगर केज नहीं होता तो बॉल आगे पीछे एक दूसरे टकरा जाती, तो बॉल के बीच की निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए इस तरह से उन्हें घेर करके रखा जाता है, एक बात करके रखा जाता है, जिसे रिटेनर या बॉल केज भी बोला जाता है। यही वाला जो हिस्सा हमारा जो इनको एक जगह पकड़े हुए उसे क्या कहते हैं, बॉल केज या रिटेनर भी बोला जाता है, ठीक है। जो बॉल केज या रिटेनर होता है हमारा, ब्रास वगैरह का या फिर प्लास्टिक वगैरह का ऐसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि बॉल बेयरिंग में बॉल रेसेस के गहरे ग्रो, तो जो हमारे रेसेस है जो इनर रेस, इसमें क्या किया जाता है, इनर रेस जैसे चौड़ाई में होगा ना, तो बीच में ग्रू काटा जाता है, गहरा ग्रू, जिससे कि वो बॉल उसके अंदर रहे। ऊपर अगर पूरा प्लेन रहता तो बॉल ऊपर रहती तो इधर उधर फिसलती, तो इसीलिए जो इनर रेस है आउटर रेस होता है, इनमें क्या करते हैं, ग्रू काट दिया जाता है, गहरा ग्रू बना दिया जाता है, एक नाली टाइप का बना दिया जाता है जिसके अंदर हमारी बॉल रहती है, ठीक है। तो वह क्यों बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है एक्सियल थ्रस्ट का विरोध करने के लिए, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि जब हमारा इस पर एक्सियल लोड लगेगा तो ऐसे हमारी बॉल इधर उधर चली जाती, अगर ग्रू बना रहेगा तो बॉल ग्रू के अंदर रहेगी, तो एक्सियल लोड जब इधर से इस पर कोई एक्सियल लोड लगाएगा तो हमारी बॉल वहाँ से हटेगी नहीं, अपनी जगह पर बनी रहेगी, उस ग्रू में फंसी रहेगी। तो इसीलिए ग्रू बनाया जाता है ताकि बॉल उस ग्रू के अंदर फंसी रहे, एक्सियल लोड लगने पर उन पर कोई फर्क ना पड़े, तो एक्सियल थ्रस्ट का विरोध करने के लिए वह ग्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाँ सेवन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी लोडिंग बियरिंग बियरिंग अच के समांतर होती है, कौन सी लोडिंग बियरिंग है जो बियरिंग के अच के समांतर होती है। तो देखिए बियरिंग के अच के समांतर की बात करेगा तो हमने बताया था आपको लंबवत, रेडियल और समांतर, या कह लीजिए उसकी अच की दिशा में या उसकी अच पर जो होता है वह कौन सा होता है, थ्रस्ट होता है, या थ्रस्ट होता है, और अगर ऐसे होता तो रेडियल होता। तो वही पूछ रखा है कि कौन सी लोडिंग बेयरिंग बेयरिंग अच के समांतर होती है। देखिए बेयरिंग के समांतर, अच के समांतर मतलब अच पे लगे या अच के समांतर लगे वह थ्रस्ट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट आगे चलेंगे, कौन सा बियरिंग ठोस जर्नल के लिए सबसे उचित होता है, कौन सा बियरिंग मटेरियल ठोस जर्नल के लिए, सॉलिड जर्नल के लिए सबसे उचित होता है, तो वह होता है हमारा एल्युमिनियम मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु जो हमारा सॉलिड जर्नल के लिए सबसे सही मेटल होता है। क्वेश्चन हमारा, कौन से प्रकार का उपयोग उच्च एक्सियल थ्रस्ट लोड, उच्च मतलब हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए कौन से प्रकार के बियरिंग यूज की जाती है, ठीक है। हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड मतलब अधिक, मतलब उच्च थ्रस्ट लोड लेने के लिए, तो देखिए जो रोलर बियरिंग हो गई हमारी, ये रेडियल लोड के लिए है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग मैंने बताया था, यह रेडियल लोड और जो थ्रस्ट लोड है दोनों को लेती है। सेल्फ लाइनिंग रोलर बियरिंग, यह जो होगा आपका सेल्फ अलाइनमेंट होने के लिए यूज की जाती है, और जो मतलब थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट है उसको यह सहन कर सकता है। टेपर्ड रोलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग ऐसा है, अभी मैंने पीछे बताया भी था कि यह दोनों प्रकार का लोड ले सकता है, टेपर्ड रोलर बियरिंग जो होता है यह रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लेता है, लेकिन फर्क ये होता है कि टेपर्ड रोलर बियरिंग तब यूज करते हैं जब एक्सियल लोड रेडियल लोड की अपेक्षा ज़्यादा हो, मतलब हाई एक्सियल लोड लग रहा हो, जब एक्सियल लोड का मान क्या हो, रेडियल लोड की अपेक्षा ज़्यादा हो, किसी
हमारे बियरिंग पे किसी शाफ्ट पे जो है हमारा दोनों लोड लग रहा हो, रेडियल और एक्सियल लोड दोनों लग रहा हो, लेकिन एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड एक ही बात है। एक्सियल लोड कहिए, थ्रस्ट कहिए, एक्सियल कहिए, तो जब हमारा थ्रस्ट लोड का मान रेडियल लोड की अपेक्षा अधिक होता है तब वहाँ पे हम यूज करते हैं टेपर्ड रोलर बियरिंग का। तो ये पूछा अभी था कौन से बियरिंग का उपयोग उच्च एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए, तो उच्च थ्रस्ट लोड हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए कौन सा यूज करते हैं, टेपर्ड रोलर बियरिंग, क्योंकि रेडियल लोड की अपेक्षा जब थ्रस्ट लोड ज़्यादा होता है, हाई होता है, तभी ये बियरिंग यूज की जाती है, टेपर्ड रोलर बियरिंग। यह रोलर कैसे होते हैं, बियरिंग होती है रोलर वाला होगा, लेकिन रोलर हमारा टेपर में होगा, तो इसीलिए टेपर्ड रोलर बियरिंग बोल देते हैं। रोलर कैसे होगा, टेपर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका हार्डनेस स्टील शाफ्ट को ले जाने वाली मोटी दीवारों वाले बियरिंग बुशों में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, मतलब हमारे जो शाफ्ट है वह हार्डनेस स्टील का बना हुआ है और उसको जो हम बियरिंग में यूज करते हैं क्या बूस वगैरह, जिससे कि बियरिंग ना घुसे, वो ना घिसे, वो बूस आपका घिस जाए और फिर बूस को बाद में चेंज किया जा सके, पूरी बियरिंग ना चेंज करनी पड़े। तो ये पूछा कि जो हम बूस वगैरह के लिए बियरिंग बूस यूज करते हैं तो किस चीज़ का बना होता है, हार्डेंड स्टील शाफ्ट के लिए, तो हार्डेंड स्टील शाफ्ट के लिए फास्फर ब्रांच का यूज किया जाता है बूस बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फास्फर ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बियरिंग के निम्न में से क्या कार्य होते हैं, शाफ्ट का न्यूनतम घर्षण के साथ निर्बाध घूर्णन सुनिश्चित करना, क्या कह रहा है, शाफ्ट का न्यूनतम घर्षण के साथ, बियरिंग तो इसीलिए यूज करते हैं ना कि शाफ्ट में फ्रिक्शन कम हो और बिना किसी बाधा के घूम सके, तो ऑप्शन ए सही है। बी कह रहा है शाफ्ट को सही स्थिति में बनाए रखना, ठीक है, बियरिंग का ये भी काम है कि दोनों शाफ्ट को जो है बिल्कुल सही पोजिशन में बनाए रखें। सी कह रहा है शाफ्ट के बल को फ्रेम में ट्रांसमिट करना, ये भी ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ें हमारी सही है, बियरिंग ये सभी कार्य करती है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है, कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है, ठीक है, तो देखिए जो स्प्लिट बियरिंग है फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आएगी, सॉलिड बियरिंग है फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आएगी, बुश बियरिंग यह भी फ्रिक्शन बियरिंग होती है, लेकिन रोलर बियरिंग यह कौन सी बियरिंग है, यह एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में जनरली हमारा ये दोनों मेन होती है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, बॉल और रोलर, क्योंकि बॉल में पॉइंट कांटेक्ट होता है और रोलर में लाइन कांटेक्ट होता है, बॉल बियरिंग में पॉइंट कांटेक्ट और रोलर में लाइन कांटेक्ट, इसलिए इनमें फ्रिक्शन कम होता है, इन्हें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। तो वही पूछा था कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा नहीं है, तो ये रोलर बियरिंग, क्योंकि रोलर बियरिंग फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, बाकी सभी जो बियरिंग आपने देखा है सभी फ्रिक्शन बियरिंग थी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का कौन सा नहीं है, कि इनमें कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, देखिए नीडल रोलर बियरिंग, रोलर लग गया तो एंटी फ्रिक्शन होगा, इसमें भी रोलर लगा हुआ है एंटी फ्रिक्शन होगा, इसमें बाल लगा हुआ है बॉल बियरिंग तो ये भी एंटी फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया मेन दो ही है रोलर और बॉल बियरिंग, तो जिनमें रोलर या बॉल लग जाएगा वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाएंगे। अब कौन सा नहीं है, थ्रस्ट बियरिंग, यह नॉर्मल हो गया आपका, तो यह कौन सा हो गया आपका, यह आपका जो है यह एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो, जिसमें बॉल या रोलर लगा हुआ है वो एंटी फ्रिक्शन है, क्योंकि उनमें लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए यूज की जाती है, ठीक है, कौन सी बियरिंग है जो भारी रेडियल लोड के लिए, तो वह होता है आपका ऑप्शन बी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, जो हमारा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, मतलब नाम से पता चल रहा सेल्फ अलाइनिंग है बॉल बियरिंग, मतलब यह बॉल बियरिंग सेल्फ अलाइनिंग, मतलब अगर शाफ्ट में थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट भी है तो हम इस बियरिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेती है, थोड़े बहुत अलाइनमेंट को यह खुद एडजस्ट कर लेती है खुद से, इसलिए इसको सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग यूज की जाती है, यह यूज की जाती है हाई रेडियल लोड के लिए, किस लिए यूज की जाती है, यह यूज की जाती है हाई रेडियल लोड के लिए। तो वही क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि भारी रेडियल लोड के लिए किसका यूज करते हैं, तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग का, यही हाई रेडियल लोड के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है कहलाता है, ठीक है, तो शाफ्ट का जो भाग बियरिंग के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जैसे हमारी बियरिंग है, बियरिंग ऐसे ही तो होती है, इनर रेस, यहाँ पे बॉल हो गया आपका, और बॉल के ऊपर आउटर रेस, ये हमारी बियरिंग हो गई, ठीक है। अब बियरिंग इसी के अंदर, इनर रेस जो है इसी के अंदर क्या होगा आपका, शाफ्ट इसके अंदर घुस जाएगा,
शाफ्ट ऐसे तो इसके अंदर लग जाएगा, तो शाफ्ट का जितना हिस्सा इस बियरिंग के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। तो ये पूछा शाफ्ट का जो भाग बियरिंग में होता है, जितना भाग इस अंदर इनर रेस से संपर्क करेगा, फ्रिक्शन करेगा, जो इनर रेस के अंदर हमारा शाफ्ट का भाग रहेगा उसको जर्नल बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बियरिंग के अक्ष के समांतर लोडिंग होती है, किस बियरिंग के अक्ष के समांतर, ये अक्ष है हमारा इसके समांतर या कह लीजिए उसके अक्ष की दिशा में एक ही बात है, तो वो किस कौन सी बियरिंग होगी, तो देखिए थ्रस्ट बियरिंग, थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड जानते हैं तो इसे आसानी से आप बियरिंग को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लेन बुश बियरिंग हाउसिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो प्लेन बियरिंग बुश हाउसिंग होता है, मेन बात हमारी फ्रिक्शन बियरिंग की बात हो रही है, फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है हमारा इस तरह से शाफ्ट होता है और जिसपे हमारा क्या लगा होता है, बियरिंग लगी होती है, शाफ्ट पे हमारी इस तरह से बियरिंग लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि ऐसे डायरेक्ट बियरिंग घिस जाती है तो पूरा बियरिंग बदलना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे एक अलग से बुश लगाया जाता है ऊपर नीचे, कि जब हमारा शाफ्ट के संपर्क में आते हैं बुश घिसे फिर बुश को बदल के दूसरा बुश लगा देंगे तो हमें पूरी बियरिंग नहीं बदलनी पड़ेगी। तो ये जब बुश को हम लगाते हैं तो बुश शाफ्ट के साथ घूमे नहीं, तो इसे रोकने के लिए कोई चीज़ यूज करना पड़ेगा, तो क्या यूज करते हैं, तो होता है की या स्क्रू, की या स्क्रू की मदद से इस बियरिंग के साथ हम इसको बुश को टाइट कर देते हैं, जिससे कि यह शाफ्ट के साथ घूमता नहीं है, सिर्फ शाफ्ट घूमती है और आपका बुश एक जगह रुका रहता है। तो किसकी मदद से रोकते हैं, की या स्क्रू की मदद से रोकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से किसमें आउटर रेस में बैरल आकार के रोलर व गोल बोर बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए आउटर रेस में बैरल आकार का, बैरल आकार मतलब ढोलक के आकार का, ठीक है, बैरल आकार के रोलर व गोल बोर बने होते हैं। तो आउटर रेस में हमने बैरल आकार, बैरल मतलब ढोलक के आकार का कुछ इस टाइप से होता है वो बियरिंग, ऐसे ढोलक की आकृति में होंगे बैरल आकार में, तो वह कौन सा होता है, तो वह होता है आपका सेल्फ एलाइनिंग रोलर बियरिंग। सेल्फ एलाइनिंग मतलब जैसे वह सेल्फ एलाइनिंग बॉल बियरिंग था जो खुद से एलाइनिंग में आ जा रहा था, वैसे सेल्फ एलाइनिंग रोलर बियरिंग भी होता है जहाँ पे शाफ्ट में थोड़ी बहुत मिस एलाइनमेंट होती है वहाँ पे इस बियरिंग का यूज करते हैं, जो कि खुद से सेल्फ एलाइनमेंट में आ जाता है, जो हमारा अंदर रोलर लगा होता है ढोलक के आकार का होता है इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, तो सेल्फ एलाइनमेंट के लिए बियरिंग यूज की जाती है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बियरिंग की मेल लुब्रिकेंट क्या आवश्यक है, मशीन की जीवन शक्ति बढ़ाती है, तापमान अनुकूल रहता है, घर्षण कम होता है। देखिए भाई लुब्रिकेंट लगाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए सही है। बी तापमान अनुकूल रहता है, जब हम उसमें लुब्रिकेंट डालेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा तो टेम्परेचर भी कम उत्पन्न होगा, तो ये भी सही है। घर्षण कम होता है, सीधी सी बात है लुब्रिकेंट लगाएंगे आप तो फ्रिक्शन कम होने का मतलब घर्षण कम हो रहा है, तो तीनों चीज़ें सही है। तो लुब्रिकेंट किसके लिए होगा, तीनों कामों के लिए होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसके द्वारा घूमने वाले भाग का भार ले जाते हैं, मतलब जो घूम रही है, जो शाफ्ट अंदर घूम रही है उसके लोड को इनमें से किसके द्वारा ले जाया जाता है। देखिए इनर रेस अंदर वाला, आउटर रेस ऊपर वाला, बाल केज होगा, ठीक है, केस नहीं केज होगा यहाँ पे केज। तो बाल केज क्या है, तो मैंने बताया था यह बाल केज होता है जो रोल, जो हमारा बॉल है उनको बीच की दूरी को, बॉल के बीच की दूरी एक समान बनाए रखने के लिए हमने बॉल केज यूज किया है। तो ये तीनों तो ऐसा कुछ भी नहीं, रोलिंग तत्व, जो रोलिंग एलिमेंट है, जो रोलर है वही क्या करता है, लोड को कौन सहन करेगा, तो लोड को ये रोलर ही तो सहन करेंगे, या जो बॉल होगा तो बॉल सहन करेगा, इसमें बॉल है तो बॉल सहन करेगा, तो वही पूछ रहा कि कौन सा जो होता है वह सहन करता है, तो रोलिंग तत्व जो रोल कर रहा है, तो यहाँ पे बॉल है जो रोल कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे रोलर भी हो सकता था जो रोल करता है, तो जो रोलिंग कर रहे हैं, जो रोल कर रहे हैं इसके अंदर घूम रहे हैं रोल करके, वही क्या करते हैं उस लोड को सहन करते हैं, इसीलिए रोलिंग तत्व होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग में प्रयुक्त धातु है, बियरिंग में कौन से प्रयुक्त धातु है, तो देखिए ब्रॉस, ब्रॉन्ज, गन मेटल या सभी, तो ऑप्शन डी आपका होगा, बियरिंग में सभी मेटल यूज किए जाते हैं, ब्रॉस, ब्रॉन्ज या गन मेटल, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे,
बाकी आपने यहाँ पे देख रखा होगा यहाँ कुछ चीज़ें लिख रखी है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। या आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं जो इसके पहले के चैप्टर्स के हैं। टेलीग्राम पे भी है अवेलेबल, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई कॉलेज भी, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके एडमिशन वगैरह अपना ले सकते हैं। एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है और कोचिंग अभी तो फिलहाल बंद है, तो इसलिए सेकेंड वाले की बात नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, आपका चैनल है, चैनल को देखिए सब्सक्राइब करना, वहाँ पे लिखा हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा भी चैनल हमारा आईटीआई यूथ, ठीक है, दोनों चैनल हमारे, ग्लोबल आईटीआई या आईटीआई यूथ, तो दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, दोनों फ्री आपका कास्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करने के लिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा यार बताइए कि वो लोग भी आए चैनल से जुड़े, उनके भी काम की चीज़ें हैं, ताकि आप लोग जाओ तो फिर अगला कोई रहे जिसके साथ हम लोग ऐसे वीडियो बना के मजे ले सके, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या, ऑनलाइन लर्निंग, ये वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया था, इस वेबसाइट को आप अक्सर जो है सर्च करते रहिए, मतलब वहाँ पे विजिट करते रहिए, उससे क्या होगा आपको जो भी नए पीडीएफ सारे पीडीएफ जो है आपको वहाँ मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको देने के लिए वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।